राशन बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे हैं। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग अनाज नहीं वितरण करेंगे। से कितने दिन से हैं आप लोग आंदोलन पे? एक 2023 से हम लोग आंदोलन पे हैं, लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। उन लोगों का कहना है कि पैसा जो हम लोग लगाए हैं ये पैसा तो लौटा दीजिए, तब ना बंटवाइएगा, चूँकि आपका साख है नहीं। वितरण प्रणाली के डीलर सब का जंदाहा में भी प्रदर्शन देखने को मिला, और जंदाहा से हम खास बातचीत करते हैं यहाँ के डीलर सब से। यह डीलर सब क्या मांग कर रहे हैं उसके? जन वितरण प्रणाली के जितने भी डीलर हैं वह लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं, और यह लोग का मांग है, और इन्हीं लोग से जानते हैं कि यह लोग आंदोलन किस कारण से कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सीताब लाल राय। अच्छा, क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को पहले प्रधानमंत्री योजना का मुफ्त राशन मिलता था 5 किलो चावल। अच्छा। और कैश में 4 किलो चावल 1 किलो गेहूं मिलता था, जिसका दर निश्चित था 2 रुपये 3 रुपये। अच्छा। अब हम लोग दिसंबर का 2 रुपये 3 रुपये, 2 रुपया गेहूँ, अच्छा, 3 रुपये चावल। अच्छा। उसी हिसाब से हम लोग बांटते थे। इधर दिसंबर का पैसा जमा है, अब आदेश आया है कि दिसंबर लैप्स है, और दिसंबर का जो ये जमा है पैसा, अच्छा, इसका राशन मिल रहा है, इसको फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा, अब दिसंबर और जनवरी में मैं 2 महीने का मिलता था ना, तो अब 1 महीना का 1 महीना दिसंबर में 1 महीना जनवरी में बांटिए। अच्छा। हम लोग का कहना है कि पैसा जो हम लोग लगाए हैं ये पैसा तो लौटा दीजिए, अच्छा, तब ना बंटवाइएगा, चूँकि अच्छा, आपका साख है नहीं। 2013 में 5 महीना 6 महीना का लैप्स हो गया था अचानक, तो वो पैसा में कुछ लोगों का मिला है, अब बाकी लोगों का 13 का बाकी है अभी तक। अच्छा। आप लोग का यही कहना है कि से पैसा जमा हो गया है और इस महीना से बंद कर दिया है मुफ्त अनाज देना? हाँ। देना कि मुफ्त अनाज लोगों को देना है? मुफ्त अनाज देना है। अच्छा, मुफ्त अनाज लोगों को देना है। अब पैसा जमा है हमारा। अच्छा, पैसा जमा है, अब पैसा नहीं रिफंड, उसका आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि आप पैसा हमारा जो जमा है वो रिफंड कर दीजिए, पहले का जो बकाया है वो दे दीजिए, बंटवा लीजिए, हम बांट देंगे। आपका क्या कहना है? बोलिए। हाँ, हम लोगों को कहना है, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जंदाहा की तरफ से हम लोगों को कहना है कि जब तक हमारी 803 मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल में रहेंगे। अच्छा, हड़ताल में रहिएगा। तो इस महीना का राशन बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? नहीं बांट रहे हैं। जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग अनाज नहीं वितरण करेंगे। अच्छा। यह लोग जो है से कितने दिन से हैं आप लोग आंदोलन पे? एक 2023 से हम लोग आंदोलन पे हैं, लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अच्छा। जब तक मांग मानी नहीं, इसके बाद आप लोग कहाँ जाइएगा आंदोलन करने के लिए? हम लोगों को 10 तारीख को पटना में, जो राज्यव्यापी आंदोलन है, 10 तारीख को पटना में गर्दनी बाग के पास आंदोलन होने वाला है, जिसमें हम लोग पूर्ण समर्थन कर रहे हैं उसका।